महान साथियों को नमस्कार करते हुए अपने संक्षिप्त में बात करूंगा। मैं बात आप लोगों को ये निवेदन करना चाहता था कि आप इतवार को जब भी क्रिकेट का प्रोग्राम करें, कोई भी खेल का प्रोग्राम करें, तो एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ आपको। जो अतिथि आता है ना, वो जितनी देर रहे ना उसके सामने भीड़ भाड़ दिखाया करो। उसकी एक वजह है क्योंकि वो 1100 रुपए देते, 2100 रुपए भी दे देगा, ताली खूब बजाओ के देगा, 300 रुपए कर देगा। काम की बात बताइए, हमें आपको कुछ देने के लिए आते हैं नौजवान साथी, कुछ लेने के लिए नहीं आते, लेने के लिए सिर्फ मान और सम्मान लेने के लिए आते हैं। गलत कह रहा हूँ क्या? इसलिए बातें आप बात में कर लो, कोई भी है मेरी जगह और कोई भी है, मान सम्मान हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत जरूरी है। मान सम्मान कोई भी अतिथि देव भव अतिथि भगवान के देव के तुल्य होता है। वैसे अपन तो साथ बैठने वाले हैं, मिलने जुलने वाले हैं, इसलिए नौजवान साथियों आपकी इस क्रिकेट प्रतियोगिता को शुभकामना देते हुए, सबसे पहले तो मैं जितनी भी सहभागी टीम है जो इस प्रतियोगिता में सहभागिता कर रही है, जो भाग ले रहे हैं, उनको मेरी तरफ से आपका बड़ा भाई होने के नाते सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना देता हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी एक क्रिकेट प्रतियोगिता 45, 46, 48 डिग्री सेंटीग्रेड से भी शांतिपूर्वक संपन्न हो, ईमानदारी से संपन्न हो, किसी को चोट ना लगे, कोई गर्मी के धूप स्ट्रोक से बीमार ना हो। ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी क्रिकेट प्रतियोगिता शांतिपूर्वक संपन्न हो और आप लोगों को खूब खेल की भावना से निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी आयोजक महोदय हैं, भारतीय जो टीम आती है उनका पूरा मान सम्मान करें। कई बार मुझे सबसे ज्यादा मौका मिलता है युवाओं के बीच में जाने का, अब उसका मुझे पता नहीं है, नौजवान मुझे चाहते हैं या मैं नौजवानों को चाहता हूँ, क्योंकि आप भी बेरोजगार हो, मैं भी बेरोजगार हूँ, मैं बेरोजगार की बहुत अच्छी तरह पीड़ा समझता हूँ। आप लोग यहाँ पर आयोजन करते हो, इस खेतड़ी तहसील के अंदर मैं इतना दावा कर सकता हूँ, राजनीतिक दावा नहीं है, ना कोई राजनीतिक भाषण है, ना कोई राजनीतिक मंच है, मैं इतना दावा कर सकता हूँ खेतड़ी में अगर 100 क्रिकेट के टूर्नामेंट होते हैं, 100 कोई और खेलों के टूर्नामेंट होते हैं नौजवान आयोजित करते हैं, तो उनमें 90 में इस आपके भाई को जाने का मौका मिलता है। तो आप लोगों का प्रेम है, नौजवानों का प्रेम है, उनकी भावनाओं की हम भी कदर करते हैं, युवा साथी हैं, बेरोजगार हैं, हम भी उनकी कदर करते हैं, भावनाओं की कदर करते हैं, और जहाँ जाते हैं वहाँ पूरा सम्मान और मान मिलता है। और बिलवा गांव का तो मैं वैसे भी ऋणी हूँ, राजनीतिक रूप से भी कहें तो ये कुछ वरिष्ठ लोग भी बैठे हैं, आप नौजवान भी बैठे हैं, बिलवा गांव का तो मेरे पे ऋण है, क्योंकि मैं जब निर्दलीय चुनाव लड़ा था, इतना बड़ा महासंग्राम था, तो बिलवा ने मुझे एक नंबर पे रखा, उसके लिए आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया, प्रेम दिखाया, और मैं समझता हूँ कि ये प्रेम आगे भी बना रहे, ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और नौजवान साथियों, आपका बड़ा भाई होने के नाते एक दो बात जरूर बताऊंगा, देखता हूँ आप भी देखते हो, जिसका बेटा अच्छा होता है उसके माँ बाप का सीना भी गर्व से चौड़ा होता है, गली में से जब वो निकलता है कोई बुजुर्ग बैठा कहता है कि फलाने का लड़का बहुत भला है, तो उसके माँ बाप को पुण्य मिलता है, उसके माँ बाप का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, और नौजवान के लिए कहता है फलाने का लड़का तो 13 पत्थर भार है, तो उस माँ बाप का भी जन्म खराब हो जाता है। एक बड़ा भाई होने के नाते कह रहा हूँ, ज्यादा सीरियसली मत लेना, मेरी बात याद रखना, काम आएंगे जीवन में मान सम्मान पाने के लिए। इसलिए ये छोटे बच्चे हैं तो नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन जो युवा हैं, जो अब समझ की स्थिति में हैं, वो लोग समझेंगे, और ये बातें जीवन में हमेशा चरितार्थ करना, मान सम्मान पाना सबसे दुर्लभ चीज है, आप पैसे कमा सकते हो MLA, MP, लेकिन कुछ बातें जीवन में सीखी आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं, आप लोगों के कुछ काम आ जाए, इसलिए आप लोगों को निवेदन किया है। और मैं वैसे भी ये मुकेश जी खड़े हैं, सारे हमारे कोई दो ही भाई खड़े हैं, कोई लगरी भाई खड़े हैं, आप समाज में कैसी मतलब आप सोचते भी होंगे, अभी कई चीजें पहले से धारणा चली आ रही है जो बिल्कुल लोगों ने पुरानों ने लोगों ने कह दिया ना, उसमें कहीं मतलब कोई किंतु नहीं है। पुराने लोगों ने कहा था कि मारी पहलवान,
कारीगर धनवान गुजर गुणवान और जाट बुद्धिमान का तो बंदर एक डाट के बैठे हमारे साथ। तो भाई मैं तो पूछ रहा जिसकी बुद्धि आई उसी कहती है पंडित जी महाराज राकेश जी है भाई मैंग है तो एक मोटा एक और सुई भाई कोपर भी जाया करे हैं मान लो थोड़ी सेहत ठीक करो जो क्रिकेट खिलाऊंगा मैं क्रिकेट वायलिन कर रहा हूँ खुद खेलूंगा। तो भाई आप लोगों से निवेदन किया था आप लोगों ने बुलाया मुझे मुझे पूछना था राकेश की वजह से मैं पहले सामने गए थे तो मैंने कहा मैं कल चला जाऊंगा कल जाना था मुझे आप लोगों से मैं एक बार ये निवेदन करना चाहता हूँ कि पूरे शांति से खेले जो भी आयोजक है भारतीय टीम का सम्मान करें और पुनः आप लोगों का तहे दिल से सम्मान करते हुए और इस क्रिकेट ट्रॉफी में जो आपने वैसे तो पहली इनाम देने का मैं हकदार नहीं हूँ क्योंकि पहले नंबर पे जो रहते हैं चुनाव में जीतते हैं वो पहली देते हैं दूसरे तीसरे नंबर पे रहने वाले तीसरे इनाम देते हैं पर फिर भी आप लोगों ने इतना मान सम्मान किया है आप नौजवानों की भावना देखते हैं क्योंकि आप सब लोग आयोजन है वो बेरोजगार है और इस क्षेत्र का सबसे बड़ा बेरोजगार ना आपसे बड़ा बेरोजगार हूँ क्योंकि आपका खर्चा तो नहीं है गांव में घूमता आपके शाम को रोटी खा के सो जाते हो क्या मशीन मेरे तो रोज के 3,000 रुपए कन्यादान के कोई तुम्हारे वाले इस दान क्रिकेट दान के पता नहीं कहाँ कहाँ हो जाते हैं। इसलिए आप लोगों की मैं निश्चित रूप से आपने जो भी उम्मीद की है वो 4100 रुपए जो आपने पहले इनाम रखे उसके शुभकामना देते हुए प्रार्थना करता हूँ कि आपका क्रिकेट का टूर्नामेंट शांत रूप संपन्न हो और विजयी जो खिलाड़ी रहेंगे या जो प्रतिभागी उनको पुनः एक बार बड़े भाई के नाते आशीर्वाद देता हूँ सम्मान देता हूँ।